हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस। और मैं हूं आपकी दोस्त मेंटोर अनीता अग्रवाल। मैं आपको यहां पे स्कूल लेवल पे क्लास 9 10th की साइंस पढ़ाऊंगी। और वहां पे साइंस के अंदर हम अलग अलग टॉपिक के बारे में जानेंगे। यहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं पिक्टोग्राफी यूज़ करके, पिक्चर्स को यूज़ करके आपको पढ़ाना चाहूँगी। और बहुत कम से कम रिटन मटेरियल हम यहाँ पर रखेंगे। मेरा एम है यहाँ पर आपके अंदर एक इनसाइट डेवलप करना कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जितनी 10 मिनट की जो आप मेरी वीडियो देखेंगे उसको आप ध्यान से देखें, सुने अपनी कॉन्सेंट्रेशन से, और जो कंटेंट है वो यहीं पर याद कर लें। आपको बार बार किताबों में से बार बार जाकर दो दो तीन तीन बार रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप एक बार बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहीं की यहीं पर सब टॉपिक्स याद हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी। मेरा फर्स्ट टॉपिक है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बारे में। वैसे तो आप लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, सेकेंड थर्ड क्लास में ही टीचर्स डिस्कस कर देती हैं लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। और आपको बेसिक डिफरेंस भी पता है, जिसमें लाइफ है वो लिविंग है, जिसमें लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग है। जो ऑक्सीजन ले रहा है, सांस ले रहा है, वो लिविंग है, और जो सांस नहीं ले पा रहा है वो नॉन लिविंग है। जो चल सकता है वो लिविंग है, जो नहीं चल सकता वो नॉन लिविंग है। लेकिन क्या कभी दोस्तों आप लोगों ने ये सोचने की कोशिश करी कि लिविंग वर्ल्ड को नॉन लिविंग वर्ल्ड से कौन सी बेसिक चीज़ है, कौन सी ऐसी फंडामेंटल चीज़ है जो इन दोनों को अलग कर रही है? क्या आपने कभी ऐसा अपने आसपास महसूस किया है कि अगर आप एक सिर्फ और सिर्फ एक बाउल के अंदर पानी भर के उसे 3 से 4 दिन के लिए रख दें तो उसके अंदर कोई ग्रीन ग्रीन कलर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो कि क्या हुआ, सिर्फ पानी था और हवा था, पानी और हवा के कांटेक्ट में आया। पानी और हवा क्या है? नॉन लिविंग वर्ल्ड है। दोनों कांटेक्ट में आए तो उसके अंदर एक लिविंग वर्ल्ड आ गया। तो यानी कि आप सोचिए कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो 8 प्लैनेट अभी हैं, 9th प्लैनेट हमारा ड्वार्फ प्लैनेट में चला गया है, जो हमारे पास 8 प्लैनेट हैं, तो उसमें अर्थ के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि उसका जो फिजिकल वर्ल्ड है यानी कि नॉन लिविंग वर्ल्ड है, यानी कि हवा है, पानी है, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसे चेंजेस हुए होंगे, कोई ना कोई ऐसे टेम्परेचर के, प्रेशर के ऐसे कुछ चेंजेस हुए होंगे जिसके कारण जो है लाइफ बनी होगी। तो चलिए देखते हैं हम अपनी वीडियो के जरिए कैसे लिविंग वर्ल्ड जो है एक नॉन लिविंग वर्ल्ड से अलग हुआ। तो हम पहले लिविंग वर्ल्ड देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। तो आपने ये जितने भी आप वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बिग ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं स्लाइड के अंदर, ये सारे के सारे लिविंग वर्ल्ड में कंसीडर किए जाते हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हम आगे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और उनको कैसे ढूंढा गया, कैसे उनको क्लासीफाई किया गया। बट अभी के लिए लिविंग वर्ल्ड आपको ये चीज समझ में आती है कि ठीक है, जो जाग रहा है, जो भाग रहा है, जिसके अंदर ये सारी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, डूइंग वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, वर्ब दिखाई दे रहा है, तो ये सारा लिविंग वर्ल्ड है। और नॉन लिविंग वर्ल्ड को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ठीक है, कोई डेजर्ट है, कोई वाटर है कहीं पर, या फिर आपको कहीं चट्टाने दिखाई दे रही हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं पहाड़ हैं कहीं पर, या फिर कहीं पे हिल्स हैं, तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग वर्ल्ड है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड अलग अलग होके नहीं रह सकते? या फिर क्या आप ये चीज जानते हैं कि कोई भी अर्थ के आप किसी भी कोने में चली जाइए, कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पे आपको लाइफ नहीं मिलेगी या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे? इवन जो आप एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस ढूंढ सकते हैं वहां पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जिन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस को प्यार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर भी बन जाते हैं। तो देखते हैं, जब लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि लिविंग वर्ल्ड को हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं और नॉन लिविंग वर्ल्ड को एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मीन्स लाइफ, लाइफ है तो बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग वर्ल्ड है तो एबायोटिक कंपोनेंट। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो कुछ इस प्रकार से कंडीशंस बनती हैं जिसको हम एक टर्म देते हैं इकोसिस्टम।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो अलग अलग इकोसिस्टम दिखाया है, एक वाटर से रिलेटेड दिखाया है, एक लैंड से रिलेटेड दिखाया है, और आप देख सकते हैं कि लाइफ कितने इनॉर्मस अमाउंट में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, कि कितने सारे अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग स्पीशीज के आपको ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब एक जो प्रश्न उठता है, जो मैंने आपसे पहले शुरू में किया था, कि आपने एक बाउल के अंदर पानी रख दिया और उसे आप 4-5 दिन तक पानी को बाहर रखिए और उसका हवा के साथ कांटेक्ट होगा, और 3-4 दिन के अंदर या 5-6 दिन के अंदर, जितने भी दिन के लिए आप उसको रखना चाहते हैं, आप देखेंगे तो उसके अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का या ब्लैकिश कलर का आपको कुछ ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। मतलब तो ग्रीन कलर जो है वो आयरन का इंडिकेशन देता है। तो वो कैसे बन गया, तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए, जो नॉन लिविंग वर्ल्ड को लिविंग वर्ल्ड से सेपरेट करता है, तो आपने ये चीज को महसूस किया होगा कि एक जो लिविंग है उसके अंदर बहुत सारे टाइप के प्रोसेस होते रहते हैं। जैसे कि कैसा प्रोसेस हुआ, हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, उसे भूख लगती है, वो खाना खाता है, वहां से क्या डराइव करता है, न्यूट्रिशन, एनर्जी, एनर्जी से दूसरे शरीर के काम करता है, जैसे कि ऑक्सीजन लेना, या फिर आपके अंदर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, या उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, जो भी उस वेस्ट प्रोडक्ट को इजेक्ट कर रहा है। तो इस चीज के लिए, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए एक फंडामेंटल यूनिट को देखा गया, और वो फंडामेंटल यूनिट क्या है, जिंदगी की सेल। तो क्या ढूंढा गया कि हाँ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। कंपार्टमेंट का मतलब एक कुछ ऐसी चीज है जो कि हम देख नहीं सकते। आप अपने अंदर कोई सेल को देख नहीं सकते, उसे आप को कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप उसको ढूंढ पाएंगे है, और उसके अंदर कोई मशीन लगी हुई है, मशीन के कुछ वो मशीन टाइप का है, और उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो कि उसे काम कर रहे हैं। तो उसको हमने डिफाइन किया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का एक बेसिस होता है सेल। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियो के जरिए ये पता चल चुका होगा कि लिविंग वर्ल्ड नॉन लिविंग वर्ल्ड से कैसे अलग है। नॉन लिविंग वर्ल्ड के अंदर आपको सेल नहीं देखने के लिए मिलेंगे, वहां पर आपको सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा जो यूनिट है उसे हम कहते हैं एटम्स, यानी कि अणु से भी छोटा परमाणु, जो हमारे महर्षि कन्नड़ ने बताया है, अणु से भी छोटा होता है परमाणु। तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, एटम्स देखने के लिए मिलते हैं। आप 3 स्टेट्स पढ़ते हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बारे में हम अलग वीडियो में लेंगे। तो अब मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको एक जो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी उसको सॉल्व करा है, कि लिविंग वर्ल्ड जो है वो नॉन लिविंग वर्ल्ड से कैसे अलग हुआ, उसके अंदर एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जिसे हम कहते हैं सेल। तो अब मेरी अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ये सेल के बारे में, किसने खोज की, कैसे पता चला कि सेल क्या होता है, और इस कंपार्टमेंट का नाम, जो एक किसी भी लाइफ के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, या वो खाली एक है या वो बहुत सारी हैं, और जो आपको वो एक लाइफ के अंदर देखने के लिए मिलती है, तो वो उसके बारे में, उसका नाम सेल ही क्यों रखा गया, क्या मतलब है सेल का, इस सबको जानने के लिए दोस्तों आप मेरी वीडियो में आगे तक बने रहें, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।